हेलो एवरीवन, वेलकम टू गुल्डीज टेस्टफुल किचन। आज आपको देखने से ही पता चल गया होगा कि हम रोटी या पराठा बनाने जा रहे हैं। तो हाँ जी, मैं तंदूरी पराठे की तरह से आपको पराठा बनाना बता रही हूँ। ये मैंने बहुत सिंपल सा, थोड़ी अजवाइन नमक डाल के सॉफ्ट सा मैंने ये डो लगा लिया है आटे का, जो 10 to 15 मिनट्स रेस्ट करते हुए हो गया है। और ये मैंने ना 4 आलू को उबाल लिया था, साथ में ही बथुआ धोने के बाद एक गुच्छी बथुआ पत्ते पत्ते निकाल कर कुकर में विसल लगा ली थी दो। उसके बाद अच्छे से छान के ठंडा कर लिया। ठंडा होने के बाद मैंने ग्रेट किया है ताकि ये ना ऐसे स्टिकी ना हो, मतलब ज़्यादा गर्म जैसे गीला गीला हो जाता है वैसा ना हो। क्योंकि अब हम बनाने वाले हैं तो मसाले मैंने सब तैयार करके रखे हैं, तभी हम मिलाएंगे जब बनाने वाले हों। नमक स्वाद के अनुसार लिया है, जीरा पाउडर है, 1 चम्मच धनिया पाउडर है, आधा चम्मच चाट मसाला है, 1/4 टीस्पून अमचूर पाउडर है, लाल मिर्च है कश्मीरी, स्वाद के अनुसार आप डाल सकते हैं, और ये हमने लिया है गरम मसाला 1/4 टीस्पून। तो ये भी मैंने ग्रेट कर लिया है, आप देख सकते हैं, अच्छे से निचोड़ के पानी में से। और आलू को भी हमने ग्रेट कर लिया ताकि जो है वो बहुत ज़्यादा गीला गीला ना रहे। पैन में हमने 1 चम्मच घी गरम करके आधा चम्मच जीरा डाल दिया है, और अब हम ये सारा आलू वगैरह इसमें डाल देंगे, सारे मसाले डाल देंगे और इनको अच्छे से मिक्स करेंगे। यकीन मानिए ये बहुत टेस्टी लगता है। आप ऐसे मिश्रण बना के ना, मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालूंगी, कचौरियाँ बनानी बता रखी हैं। अभी सर्दी आ गई है, आप बथुए की कचौरी बना सकते हैं, बथुए का रायता बना सकते हैं, और बथुए के पराठे हैं, पूरी हैं, तो आप जो भी चीज़ बनाना चाहें। और आज हम आपको तंदूरी पराठे दिखा रहे हैं, तो जो भी आप बनाना चाहें ना वो इस मिक्सचर से बना सकते हैं। और ये मिक्सचर आप एक दिन पहले बना के रख भी सकते हैं, फ्रिज में भी रख सकते हैं। तो इसको 1 से 2 मिनट हम भूनेंगे अच्छे से, टेस्ट करके देख लेंगे और फिर आपसे मिलते हैं। और ये देखिए, मिक्स होने के बाद ना बिल्कुल परफेक्ट लग रहा है, बथुआ और आलू का मिक्सचर जो है वो बिल्कुल परफेक्ट है, ना ज़्यादा है ना कम है, इस तरह से। अब हम इसको ना ठंडा होने रख देंगे। तो ये देखिए, पिट्ठी हमारी ठंडी हो गई है, और अब हम इसमें से आटे की लोइयां तोड़ेंगे। थोड़ा सा मोटा आटा लेंगे, क्योंकि तंदूरी जो पराठा होता है ना, थोड़ा सा मोटी लोई मतलब लेंगे, ठीक है। और ये देखिए कितने अच्छे से लग के तैयार है। अब हम इसको थोड़ा सा बेल लेंगे। और इसके अंदर जो भी हमें भरना है ना मसाला, मैंने इसमें ना थोड़ी सी कसूरी मेथी भी डाली थी आटे में भून के, वो भी आप डाल सकते हैं। तो अब हम ये लेंगे इसमें से आलू और बथुए का मसाला, जो कि हमने नमक वगैरह टेस्ट कर लिया है, बहुत ही बढ़िया है, ठीक है। इसको ऊपर से पैक करेंगे। यहाँ पे भी ना हमें बहुत ज़्यादा आटा इकट्ठा नहीं करना है, क्योंकि नहीं तो ये यहीं से ना मोटा मोटा हो जाएगा। सूखा आटा लगाएंगे हल्का सा, पहले इसे हाथ से बढ़ाएंगे, बीच में से भी थोड़ा सा पतला करेंगे। अब क्या है, जितना भी इसमें ये मिश्रण है ना, चारों तरफ फैल गया है, ठीक है। अब हम इसको बेल सकते हैं, तो बहुत हल्के हाथ से इस तरह से हम इसको बेलेंगे। किनारे पर, बीच में, बराबर का दबाव डालते हुए ना, बहुत हल्के हाथ से। देखिए पिट्ठी क्योंकि ठंडी है, हमने गरम आलू को नहीं कसा, तो हमारी पिट्ठी ना कहीं से भी बाहर नहीं निकल रही। और ऐसा नहीं है कि कम भरी है हमने, आप इधर से देखेंगे तो पूरा ट्रांसपेरेंट है, हैं? तो एक ही रोटी में, वीडियो ज्यादा लंबी ना हो, आपको बनाकर बता रही हूं। तवा हमने ऑलरेडी गर्म कर दिया है, बड़ी सी रोटी पराठा जो भी कहें ये है। अब हम डालते हैं इसको तवे पे। अब इसको हमें ना हमने पानी लगाया है ना हमने इसमें घी लगाया है, हमें इसकी क्या ट्रिक है, हमें बहुत स्लो गैस पे, धीमी आंच पे सिकना है। तो लोहे का तवा है, इसको धीमी आंच पे सिकने देते हैं, जब उधर से ब्राउन हो जाएगा तब हम इधर से पलटेंगे।
अभी देखिए ये हल्का से इधर से फूलना शुरू हो गया है और हम इस तरह से इस तरफ से भी इसको मंदी आंच पे सेक लेंगे। आप देखिए मंदी आंच पे सेकने पे ना कैसे इसमें निशान आए हैं, बस यही इसकी इसको ध्यान रखना है, बिल्कुल स्लो गैस पे सेकना है इसको। ये देखिए जब ये खूब अच्छे से यहां ऐसे सख्त हो जाती है ना एक तरफ से क्रिस्पी, तब हमें नीचे से सेकना है। और फीलिंग ज्यादा होने के कारण ना हमारी थोड़ी सी यहां से रोटी फट गई है, बट कोई दिक्कत नहीं है। अब हम इसको ना नीचे धीमी गैस पे, देखा मैंने कितनी धीमी कर रखी है, उसी गैस पे हम इसको सेकेंगे। ये देखिए यहां से पकड़ के ना हम इसको चारों तरफ से बिल्कुल धीमी गैस पे, तभी ये ना बिल्कुल ऐसे क्रिस्पी हो जाएगा और कोई नहीं कह सकेगा कि ये तंदूर पर नहीं बना है। ये देखिए बिल्कुल उसी तरह की शेप आनी शुरू हो जाती है। तो आलू बथुए का पराठा भी तंदूरी, ये देखिए आप बनाइएगा जरूर, अगर आप बनाएंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। आप मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि आपकी रेसिपी कैसी बनी। तो देखिए किनारे भी हम अच्छे से इसके सेक लेंगे, चारों तरफ से बहुत अच्छे से सिक गया है। और इसके लिए क्या हमें पेशेंस चाहिए, ऐसे आप आलू के बना सकते हैं, गोभी के बना सकते हैं, मिक्स बना सकते हैं। और मैं यहां आपको दिखाऊं कितना क्रिस्पी है ये पराठा, देखिए ये देखिए। तो कोई नहीं कहेगा कि तंदूरी पराठा नहीं है। करते हैं इसकी प्लेटिंग। ये देखिए इस पर व्हाइट मक्खन हो तो बिल्कुल ढाबे वाला तंदूरी पराठा आपका बनकर तैयार है। और ये देखिए है ना मजेदार लग रहा है ना तंदूरी पराठा। ये देखिए स्टफिंग देखिए आप कितनी ज्यादा है, तो जरूर ट्राई कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई रेसिपी। दही के साथ भी आप खा सकते हैं, चटनी के साथ खा सकते हैं, अचार रख सकते हैं।